सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आरंभिक स्तर यानी कि BTC DLED 4 सेमेस्टर का जो पहला हमारा सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत हमने लेखन के बारे में बात की थी, उसकी उपयोगिता, उसकी अशुद्धियाँ, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उन सभी के बारे में। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे जो हमारा नया चैप्टर है वर्ण शब्द और वाक्य, इसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इनका डिवीज़न समझ लेते हैं। तो भाषा के 3 खंड या इकाइयाँ हैं। वाक्य जो है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, क्योंकि हम देखते हैं वर्ण जो होते हैं उनको मिलाकर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। तो जो वाक्य होते हैं वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है और जो वर्ण होते हैं वो हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वाक्य जो है वो कई शब्दों से बनता है, अतः शब्द जो है भाषा की दूसरी इकाई होती है। अतः शब्द भी कई वर्णों की ध्वनि से बनता है, अतः जो वर्ण है वो भाषा की तीसरी इकाई होती है। इस प्रकार भाषा की निम्नलिखित इकाइयाँ होती हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं, ये हमारा BTC DLED 4 सेमेस्टर के 2017 के पेपर में लघु में जो है वो पूछा गया था। तो लगभग आपको लघु में जितना लिखना होता है मैटर उसके हिसाब से आपको इसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। केवल आप इतना ही नहीं लिख सकते कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम जो कुछ भी बोलते हैं अथवा उच्चारण करते हैं वो सब जो है वो ध्वनि होती है। जब ये ध्वनि जो है वो अर्थ सहित होती है तो ये जो है वो भाषा बन जाती है। इसी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। छोटा, छोटी, छोटाऊ आदि बोले जाते समय ध्वनियाँ हैं, लेकिन लिखित रूप में जो है ये वर्ण या अक्षर हैं। तो यहाँ से एक डिफरेंस भी आपको इन दोनों में समझ में आ रहा है। आगे है कि साधारणता ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। राजा शब्द में 2 ध्वनियाँ रा और जा, जबकि इनके आगे 4 खंड हलंत वाला रा प्लस बड़ा आ प्लस हलंत वाला जा प्लस बड़ा आ, ये जो है वो मूल ध्वनियाँ हैं। अब देख लेते हैं एक वर्ण की परिभाषा। इसको जो है एकदम आप रट लीजिए। बहुत ही अच्छी और सिंपल डेफिनेशन है कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वो जो है वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, छोटा, छोटी, छोटाऊ, हलंत वाला का, हलंत वाला खा, इसी टाइप से आगे आदि। तो ये सभी जो है हमारे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण जो है हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर जो है शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है। एक को दूसरे से अलग जो है वो नहीं किया जा सकता। मूलतः हिंदी में जो है वो 52 वर्ण हैं। ये काफ़ी बार डायरेक्ट बहुविकल्पी में भी जो है वो पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने वर्ण होते हैं, जिसमें से जो है हमारे टोटल 13 जो हैं वो स्वर होते हैं, 35 जो हैं वो व्यंजन होते हैं और 4 जो हैं हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन तीनों को जोड़ कर ही हमारे टोटल 52 जो हैं वो वर्ण आते हैं, 13 प्लस 35 प्लस 4। बात करें आगे तो वर्णों के उच्चारण समूह को जो है वो वर्णमाला कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए स्वर जो है ये लिखे हैं अलग और व्यंजन जो है हमारे ये अलग लिखे हैं। स्वर आप जानते हैं छोटा बड़ा से लेकर औ होते हैं, इसी प्रकार व्यंजन जो है अलग अलग उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग डिवीज़न किया गया है। ये जो है आपको चार्ट जो है ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि वर्ण पूछा गया है तो आप अगर ये बना देंगे तो इससे ये पता चलता है आपको वर्णों का जो है वो ज्ञान है। देखिए अब का वर्ग में हमारे का, खा, गा, गा, ढा आता है, इसी प्रकार चा वर्ग में चाचा, जाजा, इया, इसी प्रकार हमारे टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में ये सभी जो है वो आते हैं। देखिए ये जो सीरियल दे रखा है यहाँ पर का, चा, टा, ता, पा, ये सीरियल जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर पता है कि सबसे पहले का वर्ग आता है तो उसके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो आप लिख लेंगे, क्योंकि का, खा, गा, गा, ढा ये जो है वो याद आ जाता है। ये सीरियल याद करने में दिक्कत आती है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सीरियल जो है हमारा कुछ इस प्रकार है, का, फिर चा, फिर टा, फिर ता, उसके बाद पा। तो थोड़ा सा मिलता जुलता आप देखें कटप्पा की तरह लग रहा है, क, च, ट, त, पा।
तो इससे थोड़ा सा आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं, क च ट तप्पा। थोड़ा सा बार बार आप इसको बोलेंगे तो अपने आप ही जो है आपको याद हो जाएगा। अगर ये सीरियल आपको याद रहेगा तो का से आप कावर के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं वो लिख लेंगे, इसी प्रकार चा में, इसी प्रकार टा में, इसी प्रकार ता में, और इसी प्रकार पा में। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी होते हैं जैसे कि अंतस्थ व्यंजन हमारे, ये जो है वो या रा लावा डायरेक्ट हमारे पूछ लिए जाते हैं। उष्म व्यंजन हमारे श सा सहा होते हैं। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन हमारे छत्रज्ञ और श्रा भी कहीं कहीं नहीं दिया होता है परंतु श्रा भी जो है हमारा होता है। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन जो है उसमें ड़ा और ड़ा, और इसी प्रकार हमारा अनुस्वार जो है वो बिंदी और विसर्ग को दर्शाता है। तो ये सभी जो है हमारे व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यही स्वर और व्यंजन की डेफिनेशन के बारे में। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर आपको बताया, वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर की बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले या जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो हमारे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से? आपके सामने सारे लिखे हुए हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, री ए ओ, ये सभी जो है हमारे स्वर होते हैं। इसके अलावा स्वर के अंतर्गत भी जो है वो भेद होते हैं, जैसे कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो ये सभी अलग अलग डिवाइड किए गए हैं जिसको हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन के वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कि हलंत वाला का प्लस आ मिलकर जो है हमारा काम बनाता है, इसी प्रकार हलंत वाला खा और आ मिलकर जो है हमारा खा बनाता है। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की जो संख्या है कुल 33 होती है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो अभी हमने आपको ऊपर बता ही दिए। इसके अंदर के प्रकारों के बारे में डिटेल में हम इसके अगले वीडियो में जो है वो बात करेंगे जब हम स्वर के प्रकारों की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।